Dear students, Assalamu Alaikum. Today we are going to create a payment term list. Now you might remember that payment terms are those terms which have been finalized between a seller and a buyer. These payment terms are finalized between you and your customers. They might also be finalized between you and your vendor as well. In that case, the payment terms are applicable to you. जो पेमेंट टर्म्स वहाँ दी जाएंगी वेंडर के साथ वो आपके ऊपर लागू होंगी और आपने उन्हें फॉलो करना होगा और इसी तरह जो पेमेंट टर्म्स आप अपने कस्टमर या क्लाइंट को देंगे वो आपके कस्टमर और क्लाइंट पर लागू होगी और उसने उनको फॉलो करना होगा पेमेंट टर्म्स हमेशा याद रहे कि आपकी मैनेजमेंट और अकाउंटेंट आपको बताएंगे पेमेंट टर्म्स आपने अपनी मर्जी से कभी भी नहीं डालनी क्योंकि ये बड़ा ट्रिकी और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला होता है जो मैनेजमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एज पर पीओ एज़ पर देयर अंडरस्टैंडिंग विद द वेंडर और योर क्लाइंट ये डिसाइड करती है कि पेमेंट टर्म्स होंगे क्या और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ता है पूरा डिपार्टमेंट इसके पीछे भाग रहा होता है कि इन्हें पता चल सके कि कब हमने पेमेंट हमें मिलनी है और उसको कौन परस्यू कर रहा है तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमने सिर्फ जो डिसाइडेड पेमेंट टर्म्स होंगी वो अपने पास लॉक करनी है और एंटर करनी है और अगर वो पेमेंट टर्म हमारे पास नहीं है तो हमने वो पेमेंट टर्म अपने पास क्विक बुक्स में बनानी है वो कैसे बनानी है वो हम आज चल के देखते हैं क्विक बुक्स में पेमेंट टर्म्स जो हमें मैनेजमेंट या अकाउंटेंट कहेंगे वो किस तरह से क्रिएट करेंगे हम और किस तरह से यूज़ करेंगे अपनी इनवॉइस पे तो लेट्स गो टू क्विक बुक्स आइए देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई इनवॉइस है मौजूद तो उस पे पेमेंट टर्म्स हमें कहाँ नजर आ रही है अगर आप टॉप पे देखें तो हमारे पास पी के बाद पेमेंट टर्म्स नज़र आ रही है और पेमेंट टर्म्स जो आपको नज़र आ रही है उस पर लिखा हुआ है नेट थर्टी इसके अलावा और पेमेंट टर्म्स हमें इस ड्रॉपडाउन में नज़र आ रही हैं नेट थर्टी जैसे आपको मतलब पता है कि तीस दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट रिसीव हो जानी चाहिए आइए देखते हैं कि अगर ये चीज़ हम प्रिंट करें तो हमें ये किस तरीके से नज़र आएगी ये हमारा इन्वाइस है और इस पे आपको नज़र आ रही होगी टर्म्स टर्म्स के अंदर ये नेट थर्टी लिखा हुआ है जब भी हम इन्वायस अपनी प्रिंट करेंगे ऑटोमेटिकली टर्म्स उसमें प्रिंट हो जाएगी तमाम और डिटेल्स के साथ और यही चीज़ हमने अपने कस्टमर को भेज देनी है तो याद रहे कि टर्म्स हमारी प्रिंट होती है हमारे मेन इनस पे इस टेम्पलेट में वो मौजूद है आए हम देखते हैं कि हम इन टर्म्स को अपने पास किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे लिस्ट में जाएंगे हम सबसे पहले और जाएंगे कस्टमर एंड वेंडर प्रोफाइल में इसमें अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास एक टर्म्स लिस्ट की प्रोविज़न मौजूद है इसको हम क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इस वक्त पहले से पड़ी हुई इसके अंदर डिफॉल्ट में है वो सारी की सारी लिस्टेड हो जाएंगी और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं अगर आप नया बनाना चाहें तो आप नई भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप ऑफ टर्म्स हो सकती हैं एक स्टैंडर्ड और एक डेट ड्रिवन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन आम तौर पे मजमू तौर पे इस्तेमाल होती है वो है स्टैंडर्ड तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दोनों की दूंगा लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टैंडर्ड होती है डेट ड्रिवन का पहले मतलब समझ लें डेट ड्रिवन का मतलब ये होता है कि हमने अपने क्लाइंट के कस्टमर के साथ ये माहदा किया हुआ है कि हमारी जो इन्वाइस है वो पेबल एक ख़ास तारीख पर या उससे पहले ये स्कूल की फीस यूनिवर्सिटी की फीस भी हो सकती है ये किराया भी हो सकता है ये और भी इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप एक डेट फिक्स कर देते हैं मिसाल के तौर पे आज हम ये कहते हैं कि आपने हर महीने की पंद्रह तारीख को हमें पेमेंट करनी है जब भी हम नेट ड्यू बिफोर द फिफ्टीथ डे ऑफ द मंथ लिखेंगे तो अगली पंद्रह तारीख से पहले आपने ये पेमेंट करना होगी लेकिन बाद दफ़ा बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी इन बनाने में थोड़ी सी ताखीर हो जाए इन दैट केस अगर आपकी इन एक दिन पहले पहुंचे ये बड़ा मसला होगा आपके कस्टमर के क्लाइंट को कि एक दिन पहले पहुंचने वाली इन्वॉइस वो अगले दिन पे कर दे इसलिए हम उसे थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं और उसे ये कहते हैं कि इतने दिन पहले अगर इन्वॉयस आपको मिल गई तो आपने पंद्रह तारीख तक ये जरूर जमा करानी है उस क्वेश्चन का तरीका ये है कि ड्यू द नेक्स्ट मंथ इफ इशूड विद इन कितने दिनों के अंदर हमें ये पंद्रह तारीख से कितने दिनों के अंदर अंदर ये मिल जाए तो हमने देनी है हम उसे सात दिन का क्वेश्चन देते हैं यानी कि अगर हमें ये इनवॉइस आठ तारीख तक मिल जाए तो पंद्रह तारीख तक हमने ज़रूर जमा करवानी है आपके पास दोनों ऑप्शन हैं अगर सात के बाद मिले तो थोड़ा सा उसे एक आधा दिन का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा नहीं तो पंद्रह तारीख हमने फ़िक्स कर दी है पंद्रह तारीख को उसने कुछ भी हो जाए पेमेंट करनी है या उससे पहले कर दे अगली चीज़ जो है वो है डिस्काउंट परसेंटेज वो ये पूछ रहा है हमसे कि अगर वो वक्त से कितना पहले करवा दे तो हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देंगे हम कहते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज है वन एक परसेंट हम उसे डिस्काउंट देंगे अगर वो पहली तारीख से पहले करवा दे पंद्रह को ड्यू है लेकिन अगर पहली तक वो करवा दे पंद्रह दिन पहले तो हम उसे वन परसेंट डिस्काउंट दे देंगे तो ये तरीका है डेट ड्रिवन डेट ड्रिवन से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका पूरा दारदार डेट के ऊपर है एक पर्टिकुलर डेट जो हम उसे देते हैं ये एक ख़ास ज़रूरत के तहत जैसे कि मैंने आपको बताया था किराया लेना है स्कूल की फीस है क्योंकि एक फ़िक्स्ड डेट तक अदा हो जानी चाहिए वहाँ तो ये इस्तेमाल होता है लेकिन आम तौर पर इन वॉइसिंग में ये पीरियड या ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होती जो होती है वो है जी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब ही ये है कि इसमें हमने यह बताना है कि जब भी आपको इन्वाइस मिलेगी आपने उसके इतने दिनों के अंदर अंदर इन की रकम जमा करानी है ये एक स्टैंडर्ड तरीके का है जब भी मिल जाए पहली तारीख को मिल जाए और हमने कहा कि पंद्रह दिन के अंदर कराना है तो आपकी लास्ट ड्यू डेट पंद्रह है अगर पंद्रह तारीख को मिले तो तीस ड्यू डेट हो गई तो ये कतः नज़र कि आपकी डेट क्या है ये इन्वाइस जब भी आपको मिलेगी उससे आपने इतने दिनों के अंदर अंदर अपनी इन्वाइस जमा करानी है ये हम अपने कस्टमर को बताते हैं जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी सारी टर्म्स पहले से बनी हुई थी तो हम आज एक नई टर्म बना देते हैं और ये कहती है नेट 45 इसका मतलब यह है कि इन्वॉयस के मिलने के 45 दिन के अंदर अंदर आपने रकम जमा करानी है और दूसरी चीज़ हम इसे कहते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज आपका वन होगा अगर आप तीस दिन के अंदर अंदर ये चीज़ जमा करा दें कितने दिनों में जमा करानी है हमें हमें पैंतालीस दिन में जमा करानी है लेकिन अगर हमने ये चीज तीस दिन के अंदर जमा करा दी तो हम वन परसेंट डिस्काउंट देंगे तो सबसे पहले तो उसका नाम लिखा जाता है नाम एक सिर्फ इंडिकेशन है इसका इंपैक्ट उस वक्त होगा जब आप नीचे उसे डिस्क्राइब कर देंगे नीचे हमने कैसे डिस्क्राइब किया हमने कहा कि यह ड्यू है पैंतालीस दिन के अंदर फोर्टी डेज के अंदर डिस्काउंट हम देंगे वन इफ पेड विद इन थर्टी डेज़ पैंतालीस दिन की जगह अगर आपने तीस दिन में दे दिया तो हम आपको एक परसेंट डिस्काउंट देंगे ये कंडीशन हमने बना ली है इसका नाम हमने रखा है नेट फोर्टी फाइव इसको हम करते हैं सेव ओके okay किया हमने हमारे पास नेट फोर्टी फाइव आ गई है अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास इसको इन्वोक करने का क्या तरीका है हम एक इन्वॉइस बनाते हैं और इसमें जो हम टर्म इस्तेमाल करने लगे हैं वो है नेट फोर्टी फाइव ये वो टर्म है जो अभी हमने क्रिएट की है जैसे ही हमने ये अपनी इन्वाइस बनाई तो अब हमने देखना है कि क्या इसको हम कहीं ना कहीं से चेक भी कर सकते हैं कि ये इसी तरह से होगी हम इसको सीधा जाके प्रीव्यू देखते हैं अब आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू में हमें वो टर्म नज़र आ रही है जो है नेट 45 फाइव ये वो टर्म होगी जो आपने अपने कस्टमरी क्लाइंट के साथ फाइनलाइज की है आपसे मेरा मतलब है आपकी मैनेजमेंट ने या अकाउंट्स ने या जिसने भी ये डील फाइनलाइज की है आपने सिर्फ और सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन लेकर अपने पास रिकॉर्ड करनी है ये चीज़ आपने अपनी मर्जी से कभी नहीं डालनी ये चीज़ हमेशा आपको बताया जाएगा कि आप इसको इस तरीके से ट्रीट करें जो आपको बताया जाएगा आपने उसे रिकॉर्ड करना है और सिस्टम उसी के साथ आगे चलेगा सो इन फाइनल एनालिसिस वी कैन सी दैट दीज टर्म्स दैट वी डिफाइन विद इन आर सिस्टम कैन बी ऑफ बेसिकली

इन दोनों के तरीक़ेकार यहाँ हम अपने पास नोट कर सकते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं अगेंस्ट एनी इनवॉइस वॉइस दैट वी वॉन्ट टू लेकिन ये तमाम तरीक़ेकार बेस होंगे जो इंफॉर्मेशन आपको आपकी मैनेजमेंट देगी वंस अगेन आपने खुद डिसाइड नहीं करना मैनेजमेंट ने जो कहा है आपने उस टाइप के टर्म बनाने मैनेजमेंट ने जो कहा है उस टाइप के टर्म आपने इन में रिकॉर्ड करने सो बेसिकली दिस इज़ अ मैनेजमेंट ड्रिवन एक्सरसाइज लेकिन क्योंकि आपको क्विक बुक्स चलाना आता है तो आपको पता है कि इसे क्विक बुक्स में किस तरीके से हैंडल किया जाए दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच